हेलो एवरीवन, कम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बकरे का कलेजी गुर्दा फेफड़ा, जिसे आज हम बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाले हैं और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो आप भी इस तरीके से एक बार कलेजी गुर्दा फेफड़ा जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बकरे का कलेजी गुर्दा फेफड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बकरे का सारा स्पेशल पार्ट्स लिया, जैसे कि गॉट बॉल्स, फेफड़ा, किडनी, हार्ट, तिल्ली और कलेजी लिया है। अब हम सबसे पहले इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इसे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसके लिए अब हम मसाला रेडी करेंगे। मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 पूरा लहसुन को छील लिया है, 5 सूखी लाल मिर्च, 1.5 इंच अदरक, थोड़ा सा जावित्री, जावित्री बहुत ज्यादा ना ले, उसे थोड़ा हल्का सा तोड़ के ले, 2 टुकड़ा दालचीनी, 4 लौंग, 3 छोटी इलायची लिया है। अब एक मिक्सर के जार में इन सभी को ऐड कर ले। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें। और इसका अच्छा सा पेस्ट रेडी करें। देखिए, मैंने इस तरह से इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कुकर को अच्छे से गर्म होने देंगे। कुकर गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा साबुत जीरा, 3 हरी मिर्च और 2 तेजपत्ता ऐड कर लेंगे और इन्हें हम मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए, 1 मिनट हो चुका है, ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम 4 मीडियम साइज का स्लाइस किया हुआ ऑनियन ऐड करेंगे। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम ऑनियन को मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम गोट स्पेशल पार्ट्स को ऐड करेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे अभी हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा पानी निकलता है और इसका जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा। अगर अभी हम इसमें नमक डालेंगे तो इसमें नमक ज्यादा होने का डर रहेगा, इसीलिए हम जब मसाला ऐड करेंगे तभी हम इसमें नमक डालेंगे। अब इसे हम कवर करके 5 मिनट के लिए सबसे पहले हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे, जिससे कि इसका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। देखिए, 5 मिनट हो चुका है, इससे पानी भी अच्छे से निकलने लग गया है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे ढक के हम मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम सूखा मसाला ऐड करेंगे, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, 1 चम्मच मीट मसाला,
ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम नमक भी ऐड करेंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम मसाला को ढक के मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे। देखिए मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, इससे तेल भी अलग हो चुका है, यानी कि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब इसमें हम एक छोटा कप पानी ऐड करेंगे, इसमें बहुत ज्यादा पानी ना डालें, इस तरह का छोटा सा कप में एक कप पानी डालें, जैसे कि हमारा जो गोट्स का स्पेशल पार्ट है वो अच्छे से पक जाएगा। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में 3 सीटी आने तक पकने देंगे। देखिए इसमें 3 सीटी लग चुका है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और कुकर में थोड़ा सा प्रेशर भरने देंगे, उसके बाद गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को अच्छे से ठंडा होने देंगे। देखिए कुकर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम कुकर का ढक्कन हटा देंगे। देखिए क्या बढ़िया खुशबू आ रहा है इससे। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया बकरे का गुर्दा कलेजी फेफड़ा बनके रेडी हुआ है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। अब मैं आपको इसे गर्मा गर्म सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया बकरे का गुर्दा कलेजी फेफड़ा बनके रेडी हुआ है और आपने देखा कि इसे बनाना भी कितना आसान है। तो आप भी इस तरीके से एक बार बकरे का कलेजी फेफड़ा गुर्दा जरूर बना के देखिए। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।